नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में एक नया प्रोग्राम लेकर आए हैं। 2D एरे का प्रोग्राम आज आपको बनाना सिखाएंगे। एरे के कंसेप्ट बड़े इजी होते हैं और ज़रूरत क्यों पड़ती है, सेम डेटा टाइप का इस्तेमाल अगर करना है तो एरे को लेकर जो है लाया गया था, क्योंकि आप अलग अलग वेरिएबल लेते तो लेते रहते थक जाते और बहुत ज़्यादा मेमोरी को मैनेज करना पड़ता, कोड को मैनेज करना पड़ता। एरे आ गया है और सेम डेटा टाइप को कलेक्ट करेगा। हाल फिलहाल 2D एरे का प्रोग्राम कैसे बनेगा दोस्तों, हम मेन फंक्शन में हमने दो वेरिएबल ले लिए हैं, रोस और कॉल नाम से, और ये नाम सिमिलर इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर रहे। अब हम करेंगे क्या, हम यूज़र से ये मांगने वाले हैं कि हमें रोस और कॉलम बताइए कि कितना बड़ा एरे आप बनाना चाहते हैं। तो जैसे ही आप रो लिखेंगे तो जो भी रो आने वाली होगी वो इस तरीके से रोस में यहाँ पर सेव हो जाएगी। एज इट इज़ आप कॉलम्स एंटर कराएंगे तो कॉलम में यहाँ स्टोर हो जाएगा। अब एरे यहाँ पर डिक्लेयर किया जा रहा है ARR नाम से, और जो भी रोज़ और कॉलम आने वाले हैं वो यहीं पर जो है दोस्तों आ जाएंगे। मान लीजिए मैं देता हूँ 2 रोज़ और 2 कॉलम, तो यहाँ पर ARR के अंदर यहाँ पर रोज़ में 2 और कॉलम में 2 आ जाएगा। अब क्योंकि एलिमेंट एंटर कराने हैं, ये है एक स्ट्रक्चर जो बना दिया गया है। मैं आपको देखिए यहाँ पर ये पेन के मदद से बनाकर दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से जो है, मान लीजिए हम ये एरे बना रहे हैं 2D एरे, तो मैंने दिए हैं 2 रो और 2 कॉलम। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ये 4 वैल्यू आएंगी, ये कहलाती हैं रोज। और ये मैं जो है राइट हैंड से क्योंकि बना रहा हूँ और मैं लेफ्ट हैंडी हूँ, इसलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी समझने में। और ये होते हैं कॉलम्स। तो दोस्तों हमने यहाँ पर दिया 2 और यहाँ पर दिया 2, तो ये 2 और 2 वैल्यू यहाँ चली जाएंगी। अब एलिमेंट मांगे जा रहे हैं तो यहाँ पर 2 लूप चल रहे हैं जिसको नेस्टेड लूप कहा जाता है। पहला लूप चलेगा रोज़ के लिए, दूसरा लूप चलेगा कॉलम के लिए। हाँ, हम i 0 से चलते हैं, 2 वैल्यू आई है तो 0 और 1 तक ये चलने वाला है। 0 से चलेगा रोज़ के, बिल्कुल इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। j के अंदर आएगा, ये कॉलम के लिए चलने वाला है और पहली बार में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पर i की वैल्यू होगी 0 और जो है कॉलम की वैल्यू भी होगी 0, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो है ये C0 R0, तो पहली वैल्यू जो है यहाँ स्टोर हो जाएगी। मान लीजिए मैं यहाँ पर पहली वैल्यू को 1 स्टोर करा रहा हूँ। अब ये लूप चलेगा, इंटरनल लूप चलेगा और प्लस प्लस होने के बाद J की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पर स्कैन होगा तो एरे की वैल्यू, I की वैल्यू होगी 0 और J की वैल्यू हो जाएगी 1। अब इसके अंदर स्टोर होगा, तो मान लीजिए यहाँ पर स्टोर कर दिया मैंने 2। अब दोस्तों जैसे ही प्लस प्लस होगा तो यहाँ पर J की वैल्यू जैसे ही 2 होगी तो कॉलम की वैल्यू भी 2 है, 2 से छोटा नहीं होता है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, दूसरे लूप में निकल के बाहर जाएगा, I प्लस प्लस हो जाएगा, जो I अभी तक 0 था वो I 1 हो जाएगा। और नेक्स्ट कंडीशन में जब AR यहाँ पर आप पुट करेंगे तो I की वैल्यू होगी 1, J की वैल्यू होगी 0 और हमें यहाँ पर जो है तीसरी वैल्यू इंसर्ट करनी होगी। फिर जैसे ही लूप चलेगा J की वैल्यू फिर 1 होगी, फिर यहाँ पर नेक्स्ट टाइम पर आप 1 और 1 देखेंगे और मैं यहाँ पर दे देता हूँ 4। जैसे ही दोस्तों ये जाएगा ये कंडीशन फॉल्स होगी, ऊपर जाकर चेक करेगा, ऊपर प्लस करेगा, वो कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी और यहीं पर हमारा लूप जो है पूरी तरीके से चल जाएगा। इसके बाद दोस्तों करना क्या है, प्रिंट कराना है 2D एरे को। तो प्रिंट कराने के लिए आप देख रहे होंगे, प्रिंट कराने के लिए भी सिंपल आपको सेम लूप चलाना है और यहाँ पर प्रिंट लिख देना है %D/T लिखा जाता है, ये टैब के लिए यूज़ होता है, थोड़े दूर दूर वो चीज़ छपनी चाहिए, दिखनी चाहिए। और ये आपने यहाँ पर जो है \n लगा दिया है लाइन बदलने के लिए, लूप के बाद लाइन बदलेगी। और अब मैं जो है इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। जैसे ही हम इसको रन करेंगे दोस्तों तो सबसे पहले लिखा आएगा कि लाइए कॉलम लेकर आइए, ये लाइन चलेगी, 5वें नंबर की लाइन आप देख रहे हैं ये चल गई है, मैंने यहाँ 2 लिख दिया है, एंटर कर दिया है। तो अब ये 7वें नंबर की लाइन चल रही है तो मैंने यहाँ 2 एंटर कर दिया है। अब रो और कॉलम को 2 और 2 वैल्यू मिल गई है। यहाँ पर 11 नंबर लाइन में ये दोनों वैल्यू आ गई हैं। अब 12 नंबर लाइन चली और यहाँ पर बोल दिया गया है कि लाइए एरे के एलिमेंट लेकर आइए। तो अब मुझे क्योंकि 2 और 2 4 बार एलिमेंट डालने हैं तो मैंने 1 डाला था, 2 3 4, और मैं जैसे ही एंटर करूँगा दोस्तों यहाँ से स्कैन होने का काम हो जाएगा और अब जो है यहाँ से प्रिंट होने का काम शुरू होगा। तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ,
ये आप देख सकते हैं 2D array यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया है 1, 2, 3, 4। ये जो पर्स ये स्लैश टी देख रहे थे, ये टैब का इस्तेमाल करके यहाँ पर जो है एरे बना रहा है, और यहाँ पर ये एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, और ये कहलाता है दोस्तों 2D array। तो ये बड़ा ही आसान सा प्रोग्राम था, मैंने और ज़्यादा आसान तरीके से आपको समझाया। आप जितने भी बिगनर्स हैं इसको फॉलो कीजिए, कहीं पर रजिस्टर पर लिखिए इस प्रोग्राम को, इसके बाद बनाइए और बनाकर अलग अलग एलिमेंट्स को बार बार डाल के देखिए, एरे को बड़ा बनाइए, 3x4 का बना सकते हो, 4x4 का बना सकते हो, और तब जाके आपका कंसेप्ट जो है प्रॉपर क्लियर होगा। और ये नेस्टेड लूप आप देख रहे हैं, इस लूप को प्रॉपर एक बार कॉपी पर लिख कर देखिए, अगर ये आपको समझ में आ गया तो पूरा प्रोग्राम समझ में आ जाएगा। दोस्तों मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।